please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक के कोलार में चुनावी रोड शो के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घरेलू इस्तेमाल में आने वाला सिलेंडर हाथों में उठाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इसी प्रदर्शन के जरिए राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बहाने मोदी सरकार को घेरा, जिसके लिए वो रोड शो के दौरान स्पेशल बस से उतरकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए। उनके साथ कुछ दूर तक चलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में विशेष तौर पर तैयार सिलेंडर सिर पर उठा लिया। राहुल गांधी ने इस रोड शो के दौरान तेज धूप के बावजूद कुछ दूर तक साइकिल चलाई। हालांकि विरोध का ये सिलसिला सिर्फ साइकिल तक ही सीमित नहीं रहा। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने से पहले बैलगाड़ी पर चढ़े और फिर उन्होंने पेट्रोल डीजल के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरते जा रहे हैं, क्या आप पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं कर रहे हो? राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल को जानबूझकर जीएसटी के तहत नहीं लाने का भी आरोप लगाया। हालांकि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की येडियुरप्पा सरकार के दौरान हुए घोटालों के बहाने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, जिसके जरिए उन्होंने उन पर और बीजेपी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगा दिया। येडियुरप्पा जी ने सबसे भ्रष्ट सरकार चलाई थी, कितनी बार वो जेल गए, कितना पैसा चोरी किया, ये मोदी जी को समझाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सीधे हमले के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। बीजेपी की कई प्रदेश सरकारों ने वैट को कम किया, आपकी कर्नाटका की सरकार ने क्यों नहीं कम किया? राहुल गांधी की टीम जो है वो ज्यादा होमवर्क नहीं करती, परेशानी इसलिए होती। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपने भाषणों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा दिया। पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने देश में अराजकता का माहौल होने का दावा किया और उम्मीद जताई कि अगले लोकसभा चुनाव में देश की जनता मोदी शासन को नकार देगी। 70% who did not vote for the BJP in the last election will come together adequately to be able to put an end to the aberration that we have been suffering. मणिशंकर अय्यर ने सावरकर के बहाने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया। So the first proponent of the two nation theory was the ideological guru of those who are currently in power. कार्यक्रम के समय मणिशंकर अय्यर ने जिन्ना की तारीफ करने वाले वीडियो पर उठ रहे सवालों पर भी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना को कायदे आजम कहने वाले बयान पर उनकी सफाई पर भी विवाद हो गया, क्योंकि इस बार उन्होंने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी से कर दी और पाकिस्तान के कई ऐसे लोगों को जानने का दावा किया जो महात्मा गांधी को महात्मा कहने से परहेज नहीं करते। I know that a lot of Pakistanis call Mohandas Karamchand Gandhi Mahatma Gandhi. Does that make them unpatriotic Pakistanis? लेकिन जेडीयू और एनसीपी को जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी से करना रास नहीं आया और दोनों पार्टियों ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर कड़ा एतराज जताने में देर नहीं लगाई। महात्मा गांधी से कायदे आजम जिन्ना को मिलाना उचित नहीं होगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उन लोगों के लिए हैं जो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी मणिशंकर अय्यर के पार्टी से बाहर होने का दावा करते हुए उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। पंजाब के पटियाला में कुछ लड़कियां एक प्रोफेसर की लात घूसों से पिटाई करने लगी। आरोप है कि पिटने वाला प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को अश्लील SMS भेजता था, जिससे परेशान होकर कॉलेज परिसर के अंदर ही कुछ लड़कियों ने अपनी मां के साथ मिलकर प्रोफेसर को पीट दिया। इस दौरान आरोपी प्रोफेसर चमन लाल बार बार लड़कियों से हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे। प्रोफेसर चमन लाल पर आरोप है कि वो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अश्लील SMS भेजते थे, जिससे परेशान होकर कुछ छात्राएं अपनी मां के साथ कॉलेज पहुंची और प्रोफेसर को पीट दिया। कॉलेज में हुए इस हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी प्रोफेसर को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन छात्राओं से माफी मांग लेने के बाद आरोपी प्रोफेसर को छोड़ दिया गया। आरोपी प्रोफेसर की पिटाई का वीडियो लड़कियों ने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया।